मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। दो बच्चों के बाप की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोनों में प्यार और फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली। मंगलवार को पति ने पहले पत्नी को कॉल कर कपड़े और कुछ पैसे लाने को कहा, जिसके बाद पत्नी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और पति को उसकी शादीशुदा प्रेमिका के साथ अरेस्ट कर लिया। पुलिस के सामने पति का कहना है कि वह दोनों पत्नियों को रखना चाहता है और दोनों को खुश रखेगा। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र का है। पहली पत्नी को कॉल कर बुलाया। रोशन की पहली पत्नी संतोषी देवी ने बताया कि दोनों की शादी 7 साल पहले हुई थी। हमारे दो बच्चे भी हैं। रोशन 4 दिन से घर से लापता था, फोन भी उसका ऑफ बजा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना भी दी थी। मंगलवार की शाम अचानक से पति रोशन ने फोन किया और कहा कि मेरे कपड़े और कुछ पैसे लेकर मिलने आ जाओ। पत्नी का कहना है कि पति ने कहा कि वो एक लड़की के साथ कहीं जा रहा है। पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और रोशन और उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया। फेसबुक पर हुआ प्यार। रोशन और प्रेमिका को पुलिस पकड़कर थाने लाई। रोशन का कहना है कि 8 माह पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती सिंधु से हुई थी। फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो दोनों नजदीक आ गए और साथ रहने का फैसला किया। बकौल रोशन उसने सिंधु से शादी कर ली। उसकी प्रेमिका भी शादीशुदा है। पति रोशन का कहना है कि वो दोनों पत्नियों के साथ रखना चाहता है। उसका दावा है कि वह दोनों को खुश रखेगा। पति और प्रेमिका को जेल में डाले पुलिस। पहली पत्नी संतोषी देवी का कहना है कि उसके पति ने गलत काम किया है। मेरे दो बच्चे हैं, फिर भी दूसरी महिला के साथ शादी करके भागना चाहता था। संतोषी देवी की मांग है कि उसके पति और उसकी प्रेमिका को जेल में डाला जाए। इधर थानेदार श्रीराम सिंह का कहना है कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, अच्छा उसके बाद बात हुई। कितना दिन बात हुई? 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने बात हुई, क्या बातचीत हुई? भैया फ्रेंड के नाते बात करते थे, दोस्त के नाते। फिर क्या हुआ? फिर बात करते 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 नंबर दिए, नंबर से बात किए, बात करते करते प्यार किए। पत्नी और थे, दूसरे से प्यार हो गया। बताओ, फेसबुक से पहले कहीं और भी देखे थे इसको? क्या तो भाग रहे थे क्या? आज नहीं, भाग नहीं रहे थे। शादी कर लिए हो क्या? हमको लड़का बुलाया, जैसे मेरा पति 4 दिन आज होने जा रहा है, फरार था। थाना पे आया, कंप्लेन लिखा है कि मेरा पति काम पे निकला मगर काम पे गया नहीं, और लड़की को लेके उसी दिन फरार हो गया। अब हमको मालूम चला कि लड़की को लेके भागा हुआ है, तो हमको ये बुलाया आज हमको बुलाया। उस दिन से हम सुन कर रहे कि कोई फ़ोन आए तो हम बताएं अगला आदमी को, लेकिन हमको आज फ़ोन आया मेरे पति का। वो हमको बुलाया कि कुछ पैसा चाहिए या कपड़ा लेके आओ केदलीबाग में। तो हम ये बात पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिए कि सर मेरा पति फरार है किसी दूसरी औरत के साथ, आप उसको मेरा मदद करने पकड़वाने में। बस पुलिस भी मेरा सहारा किया और हम उसको पकड़वा दिए केदलीबाग के मुँह पर। हम चाहते हैं कि दोनों जेल जाए, दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। क्यों गलत किया है ना सर, गलत किया, मेरा भी लाइफ खराब किया, मेरा बाल बच्चा का लाइफ खराब किया। उससे पहचान कैसे हो गया? किससे पहचान? ये सब कैसे हुआ था? ये सब दोनों मोबाइल के फेसबुक के द्वारा। अच्छा, तो प्लान करके गई थी कि पकड़वा देना है? हम प्लान नहीं, हमको मालूम चला कि भाग रहा है ना किसी औरत के साथ। हाँ, हम पूछे तुम कहाँ हो, तो ऐसे ऐसे बात है, हम लड़की के साथ है, तुम इसमें मेरा साथ दो, कुछ पैसा दो, हम इसको लेके बाहर जाएंगे, दोनों को खुश रखेंगे। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। भागने आज ट्रेन से भागने की तैयारी में? हाँ, पैसा इसीलिए मांगा था कि हम भागे यहाँ से, कॉर्पोरेट चल रहा था। हाँ, न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।